तो हेलो गैस, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक हूँ, खरीय होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर हूँ दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुबशिर लुकमान बहुत, मैं कहता हूँ हर वक्त जो है वो किसी ना किसी वजह से जो है वो खबरों में रहते हैं। बहुत बड़े जो है एंकर पर्सन है और कंट्रोवर्शियल जो है वो एंकर पर्सन है। उन्होंने जो है वो 2 दिन पहले से जो है एक ड्रामा लगाया हुआ है। बाबर आजम ने जो है वो जो गाड़ियाँ ली हैं, ऑडी ट्रून और बाकी जो गाड़ियाँ हैं इनकी, वो जो है वो बाबर आजम ने इंडिया और यूएसए के खिलाफ जो मैच हारा है पाकिस्तान, उसके बदले जो है वो बाबर आजम ने ली हैं। हालांकि देखा जाए तो बाबर आजम ने ये जो गाड़ी ऑडी ट्रोन है वो तकरीबन उन्होंने मेरे ख्याल से 9 के 10 महीने पहले जो है वो खरीदी है, और उनके भाइयों ने जो है उनको गिफ्ट की थी, और सारे पैसे जो थे वो तकरीबन बाबर आजम के थे। लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो 10 माह बाद हो रहा है, और उस वक्त मेरे ख्याल से शायद वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी ना बनाओ, और ये मतलब आप समझ लें कि एक किस्म का फेक जो है वो बहती गंगा में जो है वो मुबशिर लुकमान ने जो है वो हाथ डाला है, और बाबर आजम के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है। बाबर आजम ने जो है वो मैच फिक्सिंग की है। तो इस चीज़ के ऊपर लेकर जो है वो अब खबरें आ रही हैं कि शायद जो है पीसीबी जो है वो और बाबर आजम जो है वो उनके ऊपर जो है वो कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, और अपना जो है वो हित इज्जत का जो नोटिस होता है वो शायद जो है वो भेज सकते हैं। इसके अलावा पीसीबी भी सुनने में आ रहा है कि वो भी जो है वो अब एक्टिव हो चुका है। उन्होंने भी जो है वो जो बाबर आजम के खिलाफ फिक्सिंग या बाकी बातें जो कर रहे हैं लोग, उनको जो है वो सबक सिखाने के लिए जो है वो कोई ना कोई लीगल मैसेज जो है वो कि आप समझ लें कि लीगल नोटिस भेजने का जो है वो ऐलान किया है। तो अभी जो है वो खबरें ये हैं कि शायद मतलब ये पीसीबी की जानब से अगर एक्शन नहीं भी हुआ, खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद पीसीबी खामोश है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद जो है पीसीबी एक्शन भी ले सकता है। मतलब मिला जुली जो है वो खबरें आ रही हैं, लेकिन पीसीबी को चाहिए इस टाइम पर जो है वो एक्शन लें, क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो व्हाइट बॉल के कैप्टन है इस टाइम पर बाबर आजम, और पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है इस टाइम पर, एक स्टार बन चुके हैं। उनके ऊपर जो है वो इस तरह के इल्ज़ाम लगेंगे तो फिर जो है वो आप समझ लें कि पूरी दुनिया में वैसे भी हमारा इस टाइम पर मजाक बन रहा है जैसे कि वसीम अकरम ने कहा है, और फिर इस तरह के मामला रहेंगे तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और ऐसे ही मतलब जिसका दिल करेगा वो जो है वो मुँह उठा कर जो है वो फिक्सिंग के इल्जाम लगा देगा। पहले भी जो है वो इस तरह के मामला चलते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो बाबर आजम को भी चाहिए और पीसीबी को भी चाहिए कि वो जो है वो लीगल जो है वो एक्शन लें, ताकि जो है वो इस तरह के मुस्तकबिल में जो है वो कोई काम ना कर सके। तो अभी आपकी इस बारे में क्या राय है कि आया पीसीबी जो है उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेगा या नहीं? और सुनने में खबरें आ रही है कि शायद जो है बाबर आजम हितक इज़क का जो नोटिस है वो भेज सकते हैं मुबशिर लुकमान को। तो ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।